हे गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। बात करते हैं शिक्षा विभाग के आज के अपडेट के बारे में, साथ ही जॉब के और अपडेट देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं, सरकारी स्कूलों में प्रयोगशाला शुरू हो चुके हैं, जिसमें यहाँ पर 5,562 यहाँ पर जो है बच्चे आए हैं। और इसके लिए यहाँ पर स्कूल में CM पुष्कर धामी और विधायकों ने यहाँ जो है बच्चों का स्वागत किया है। और इस तरह का लोग फोटो भी देख सकते हैं, स्कूल में जो है धूमधाम से मनाया गया है प्रयोगशाला। और यहाँ पर शिक्षा मंत्री धनसिंह रावत ने कहा है कि बच्चों के जो स्कूल के बोझ है उसको हम कम करेंगे। इसके लिए सरकार ने नई नीतियाँ जारी करी हैं और कहा है कि यहाँ पर जो शिक्षा मंत्री ने सरकारी स्कूल में सप्ताह में एक दिन यहाँ पर जो है नो बैग डे यहाँ पर लागू करा जाएगा। और यहाँ पर जो है इतिहास बदल नहीं रहे बल्कि उसे यहाँ पर ठीक कर रहे हैं, इस तरह यहाँ पर कहा है शिक्षा मंत्री के द्वारा। और यहाँ पर सेवानिवृत्त से एक दिन पहले भी यहाँ जो वेतन में वृद्धि के हकदार, तो एक दिन पहले भी यहाँ जो है वेतन वृद्धि में हकदार होंगे। शीर्ष कोर्ट ने यहाँ जो है इसके लिए यहाँ पर पात्रता दे दी है। बात करें यहाँ पर अल्पसंख्यक दर्जे वाले स्कूलों में यहाँ जो है नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं, तो यहाँ पर नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूल में अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, शिक्षा मंत्री ने कहा है। कहा है कि यहाँ पर जो शिक्षा मंत्री ने कि सभी स्कूलों में जो अल्पसंख्यक दर्जे वाले स्कूलों में जो छात्र संख्या है उसका परीक्षण यहाँ पर किया जाएगा। और वहीं बात करें यहाँ पर शिक्षकों के सभी रिक्त पदों पर जो है तबादले होंगे, तो यहाँ पर शिक्षा मंत्री बोले इच्छुक शिक्षक को यहाँ पर मिलेगा मौका। और कहा है कि यहाँ पर जो है लंबे समय से इंतजार करने वाले शिक्षक, जिनका यहाँ पर जो है शिक्षकों की मुराद पूरी होने वाली है। अब बताया गया कि वर्तमान तबादले सत्र में यहाँ पर शिक्षकों के लिए रिक्त पदों के 10% तबादले करने की सशर्त लागू नहीं होगी। खासकर यहाँ पर जो है सुगम और दुर्गम क्षेत्र में न्यूनतम 10 वर्ष की यहाँ पर जो है सेवा दे चुके शिक्षकों का जो है पहले ट्रांसफर किया जाएगा, उनको ट्रांसफर पहले किया जाएगा जिनका यहाँ पर सुगम दुर्गम में 10 साल यहाँ पर बिता दिए गए हैं। पदोन्नति में देरी से यहाँ पर जो नाराज शिक्षकों ने काली पट्टी बांध कर यहाँ पर किया काम। तो देख सकते हैं कि उत्तराखंड में साइकिल अध्यापक LT से यहाँ पर जो है पदोन्नत होने वाले प्रवक्ता पद पर यहाँ पर अभी भी यहाँ पर शिक्षकों ने इसका विरोध किया है, क्योंकि पदोन्नत नहीं हो रखे हैं। लगभग इसमें 2200 के करीब पोस्ट हैं जिनमें पदोन्नत होनी है, तो इसी वजह से यहाँ पर इनकी नाराजगी जाहिर करी है और लगातार इनका यहाँ पर मांग चला हुआ है 10 वर्ष, तो इसी वजह से यहाँ पर इनका काली पट्टी बांध कर काम कर रहा है। पुरानी पेंशन योजना की विसंगतियां बताई, और पुरानी पेंशन की योजना से हम जो है वंचित जो कर्मी होंगे उनके हित में रखी जाएंगी मांगें, इस तरह की बात कही गई है। और शिक्षकों को यहाँ पर 21,76,00,000 से मिलेंगे टैबलेट। तो यहाँ पर देखते हैं कि इतने करोड़ रुपए जो है अब शिक्षकों को टैबलेट दिया जाएगा। इसके लिए बताया गया है कि यहाँ पर शिक्षा और ज्ञान और शिक्षा सिर्फ किताबी नहीं हो सकते, नवाचार जरूरी तो था मैंने यहाँ पर कहा है। और इसी वजह से यहाँ पर शिक्षकों को अब यहाँ पर टैबलेट दिए जाएंगे। उत्तराखंड में दरोगा रैंकर्स भर्ती का रिजल्ट आपका हो चुका है जारी। तो पुलिस दरोगा रैंकर्स का रिजल्ट आपका आ चुका है, UK प्रेस ने मंगलवार को जारी कर दिया गया है। और आयोग के सचिव ने बताया गया कि यहाँ पर जो है SS रावत ने 138 पदों के लिए यहाँ पर जो है इसका परीक्षा परिणाम मुख्यालय को, पुलिस मुख्यालय को भेज दिया गया है। और पदोन्नति परीक्षा होने के चलते यहाँ जो अंतिम परिणाम जो है पुलिस मुख्यालय की ओर से यहाँ जारी कर दिया जाएगा। वरिष्ठता विवाद की जो है सुनवाई स्थगित, तो वरिष्ठता जो विवाद है उसको स्थगित कर दिया गया है। और शिक्षा विभाग ने प्रवक्ताओं की वरिष्ठता विवाद की सुनवाई यहाँ पर टाल दी है। और माध्यमिक शिक्षा जनसार जो सीमा जनसार उनके द्वारा बताया गया कि विवाद जो है बुधवार से यहाँ जो है सुनवाई करनी जा रही थी, और शिक्षकों का यहाँ पर जो है एक वर्ग सुनवाई के पक्ष में नहीं था, तो इस वजह से स्थगित करना पड़ा है। और वहीं यहाँ पर हर विद्यालय में जो है व्यायाम शिक्षक, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हर विद्यालय में एक एक व्यायाम शिक्षक होंगे। इसके लिए यहाँ पर जो है कहा है कि प्रत्येक आपके उच्च प्राथमिक विद्यालय 6 से लेकर 8 तक व्यायाम शिक्षक की नियुक्ति सहित कई मांगों को लेकर जो है मंगलवार को BPET MPET बेरोजगार रोजगार को लेकर यहाँ पर जो है बताया गया कि यमुना कॉलोनी शिक्षा मंत्री से मिले हैं। और यहाँ पर जगदीश पांडे के नेतृत्व में शिक्षा मंत्री से मिले बेरोजगारों ने मांग उठाई है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार यहाँ पर जो है शारीरिक शिक्षा विषय, यानी कि आपका यहाँ पर जो व्यायाम शिक्षक वाले होते हैं उनको अनिवार्य किया जाए, इसको लेकर यहाँ पर उन्होंने कहा है कि प्रत्येक स्कूल में यहाँ पर जो है एक व्यायाम शिक्षक होना चाहिए। और इस तरह की यहाँ पर मांग रखी गई है 1 से लेकर 12 तक जो है अनिवार्य करने की बात कही गई है। और यहाँ पर जो है कहा गया कि आयु सीमा में 3 साल की छूट भी मांगी है, तो आयु सीमा में 3 साल की छूट भी मांगी है। और जल्द से जल्द यहाँ जो है शिक्षक भर्ती निकाल दी जाए, इसकी मांग करी गई है। और देखते हैं कि शिक्षकों के जो अवकाश को लेकर जो है अधिकारी तय करेंगे, तो यहाँ पर विभाग ने शिक्षकों के अवकाश मंजूरी को लेकर अवसर तय करेंगे माध्यमिक शिक्षा निदेशक, जो कि सीमा के अनुसार उनके द्वारा बताया गया है कि यहाँ पर
20 दिन तक जो है मेडिकल लीव, 15 से लेकर 30 दिन तक जो है CCL और CEO जो है आपके यहाँ पर टेस्ट जाके 60 दिन तक यहाँ पर मेडिकल लीव और 30 से लेकर 60 दिन तक CCL निर्णय लेंगे। और वहीं यहाँ पर देखते कि नियुक्ति की मांग को लेकर जो है शिक्षा मंत्री से मिले प्रशिक्षित बेरोजगार, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बीपीएड एमपीएड प्रशिक्षित बेरोजगार यहाँ पर शिक्षा मंत्री से मिले हैं। वही शिक्षक भर्ती को लेकर जो व्यायाम शिक्षक यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से नहीं आ रखी है, हर एक स्कूल में व्यायाम शिक्षक भर्ती करने की मांग करी है। और वहीं देख सकते कि कम फीस में जो है बीएड करने के लिए 19 तक मौका, तो कम फीस में बीएड करना है तो यहाँ पर 19 तक मौका मिल सकता है। और यहाँ पर देहून के युवा और यहाँ पर शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं तो 19 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। बताया गया 50 सीटों के लिए आप जो है 350 आवेदन यहाँ पर, और कहा है कि यहाँ जो है आप आवेदन इन पर ले सकते हैं। और बात करें यहाँ पर योग्यता परिसी भर्तियों को लेकर, तो भर्ती परीक्षाओं के टॉपर काली सूची में डाले गए, तो ब्लैक लिस्ट कर दिए गए हैं अभ्यर्थियों को जिनके भी यहाँ पर जो है नाम आए हुए थे। आयोग ने यहाँ पर कहा है कि यहाँ पर आयोग ने बर्खास्त कर्मचारी की पत्नी का नाम भी यहाँ जो है प्रतिबंधित लिस्ट में डाला, तो बर्खास्त कर्मचारी की जो पत्नी थी उसकी भी लिस्ट में नाम है, और 184 अभ्यर्थियों के नाम जो है प्रतिबंधित लिस्ट में यहाँ पर डाले गए हैं। तो आयोग ने कहा है कि यहाँ पर 184 लोगों को हमने ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। एसटीएम ने पेपर खरीदने वाले जो नाम दिए थे उन्हें जो यहाँ पर सार्वजनिक कर दिए गए हैं। आयोग ने यहाँ भी सभी परिणाम का जो है गंभीरता से यहाँ विश्लेषण किया है, और आरोपी की जहाँ पुष्टि होते हैं तो पक्ष लेने वाले के बाद भी यहाँ पर जो है मामले में आगे कार्रवाई की जाएगी बताया गया है। और समूह का भर्ती में यहाँ पर जो है बाहरी राज्य युवा, तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रतिबंधित लिस्ट में यहाँ बताया कि शामिल 3 आवेदक जो है यूपी के रहने वाले हैं। और वहीं यहाँ पर बताया गया कि स्नातक स्तरीय परीक्षा 2021 में एक अभ्यर्थी लखनऊ और एक अभ्यर्थी मुरादाबाद का भी है, जबकि 2016 की बीडीयू बीपीडीयू वाली जो भर्ती थी उसमें एक नाम यहाँ पर बिजनौर का ही होता है। बाहरी लोग भी यहाँ पर थे, और समूह गांव में जो है सार्वजनिक यहाँ पर कहे सेवाजन प्रदेश की बाध्यता खत्म होने से अब यहाँ पर दूसरी राज्य उत्तराखंड बेरोजगारों की पढ़ाई किए जाने के यहाँ पर जो है आधार पर आवेदन कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि 184 अभ्यर्थी यहाँ पर जो है नकलची थे, 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया, 5 साल तक यहाँ पर इनको डिबार कर दिए गए हैं। और वहीं यहाँ पर आयोग के एक्ट और नए नकल विरोधी कानून के तहत यहाँ पर होगी कार्रवाई, नए नकल विरोधी कानून है उसके तहत यहाँ पर कार्रवाई अब इन 84 अभ्यर्थियों पर करी जाएगी। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती के एक अभ्यर्थी पर लगाया था 3 साल का प्रतिबंध, फॉरेस्ट गार्ड भर्ती पर यहाँ पर जो एक अभ्यर्थी था उस पर 3 साल का प्रतिबंध लगाया था 2020 में जो पेपर लीक हुआ था, और ब्लूटूथ या मोबाइल से डिवाइस में यहाँ पर जो है इन्होंने नकल करवाई थी, तो इस पर 3 साल का हुआ था, लेकिन अब यहाँ पर इन सभी पर 5 5 साल का यहाँ पर जो है कर दिया गया है। बात करें लोक सेवा आयोग की भर्ती को लेकर, तो यहाँ पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं से भी यहाँ पर जो है नकलचियों को रोकने की तैयारी, तो अब लोक सेवा आयोग की भर्तियों से भी यहाँ पर जो है नकलचियों को रोका जाएगा। इसके लिए यहाँ पर योग्यता परिषद ने एक्ट और वह नकल विरोधी कानून के तहत यहाँ पर कार्रवाई करने की बात की है। आयोग ने यहाँ पर जो है एक और रिजल्ट तैयार कर जो है पीएसक्यू को यहाँ पर जो है भेजा है, तो पीएसक्यू को भेज दिया गया है आयोग ने रिजल्ट को लेकर। तो अधीन सेवा चयन आयोग ने यहाँ पर समूह की 4 भर्ती पेपर और नकल और ओआरएम सीट में जो है छेड़छाड़ करने में मामले में 84 अभ्यर्थियों को यहाँ पर जो है 5 साल की ये सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर जो है प्रतिबंधित कर दिया गया है। और साथ ही यहाँ पर जो है आप देखते हैं कि राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में जो है डिबार करने के लिए यहाँ पर यह सूची यहाँ पर आयोग ने भेजी थी, अब 24 जून 2014 तक यहाँ पर जारी हुआ था अधीन सेवा चयन आयोग का। और इसमें यहाँ पर नकल करने वाले यहाँ पर सीधे अधिकार यहाँ पर आयोग पर किया गया था, इस तरह बताया गया है। और वहीं यहाँ पर आयोग ने शुचिता प्रभावित करने वाले जो अभ्यर्थी हैं को परीक्षाओं से प्रतिबंधित कर सकता है। और वहीं यहाँ पर अब राज्य के नए नकल विरोधी कानून भी यहाँ पर लागू हो जाएगा, तो राज्य के नए नकल विरोधी कानून भी हो जाएगा लागू। और वहीं यहाँ पर कहा कि योग्यता परिषद जो यहाँ पर अध्यक्ष हैं और हम लगातार यहाँ जो है व्यवस्थाएं बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं, और इसी क्रम में यहाँ पर जो है रैंक का परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। धीरे धीरे सभी परीक्षाओं का जो है ट्रैक पर लाई जाएंगी और अन्य परीक्षा परिणाम भी यहाँ पर और वो जो अगले सप्ताह है वो जल्द होंगे, तो बाकी जो रिजल्ट होंगे वो आपको जल्द ही देखने को मिल जाएंगे जो भी आपके रिजल्ट बचे हुए हैं।